के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए एक बेहतर अवसर भी है। नरही के मैदान में जय बाबू राय बाबा के बैनर तले 23 तारीख से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता नेशनल प्लेयर सौरभ समीर राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कई टीमें भाग लेंगी और जीतने वाली टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे नेशनल फुटबॉल प्लेयर ने कहा, हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा अपनी टीम के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लें और बेहतर प्रदर्शन कर पुरस्कार के हकदार बने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे गांव का। हर साल का ये एक सम्मानित फुटबॉल प्रतियोगिता होता है जो कि हम कराते हैं, और ये पूरा गांव, ग्राम सभा के जितने भी सम्मानित जो हमारे गार्जियन हैं वो सभी लोग मिलके उनके सहयोग से ये टूर्नामेंट होता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे आयोजन के रूप में एक युवक संघ नहीं का एक हमारा संगठन है जो कि हम लोग इसको सुचारू रूप से कराते हैं, और इस टूर्नामेंट का हम आयोजन पूरे गांव, ग्राम सभा के सहयोग से ही होता है। किसने कोई एक लोगों का सहयोग नहीं, ये ग्राम सभा का ही थोड़ा। कहाँ कहाँ के टीम आ रही है प्रतिभाग करने टीम के? आपको मैं बता देता हूँ, आप बिहार 11 है, हरपुर है, बारे है, पखनपुरा है, भोजपुर है, रेवतीपुर है, नरही है, रक्षा है, क्षेत्रीय टूर्नामेंट है, जबकि काफ़ी अच्छा आयोजन होता है ये टूर्नामेंट जो होता है। कार्यक्रम स्थल कहाँ पे है? कार्यक्रम स्थल है जो ये नरही खेल मैदान है, नरही खेल मैदान है। कितने तारीख को कार्यक्रम का ये आयोजन? पहला 23 तारीख को मैच है और 21 तारीख को फाइनल है, बीच में 29-30 गैप रहेगा। आप इस खेल से क्या क्या हासिल किए हैं? मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, और मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में रहा, साई हॉस्टल में रहा, और उसके बाद मैं भी आर्मी के लिए कार्यरत हूँ, और मैं आर्मी के लिए मैं बिहार रेजिमेंट से हूँ और मैं खेलता हूँ आर्मी टीम के बाद, आर्मी में खेलता हूँ, मैं अभी बिहार रेजिमेंट से खेलता हूँ। जिंदगी में खेल का कितना महत्व है? देखिए, जीवन में सबसे बड़ा महत्व एक चीज़ होता है, डिसिप्लिन, और जो खेल होता है वो डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप किसी भी खेल से जुड़े हैं तो आपको सबसे मुख्य बात है कि आप डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी। तो सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लड़के हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी गार्जियन हैं, अपने बच्चों को खेल के प्रति उनको सुझाव दें और उनको आगे जाने दें। ऐसा नहीं है, खेल से पहले तो आपकी डिसिप्लिन, बच्चों में डिसिप्लिन आएगी, और डिसिप्लिन जो होता है, डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, मेन डिसिप्लिन है। जितनी टीमें आएंगी क्या उनको कोई पुरस्कार भी वितरण किया जाएगा अगर कोई जीत हासिल करता है तो? हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, पुरस्कार वितरण होगा, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का फर्स्ट और सेकंड ही है, थर्ड नहीं है, पुरस्कार वितरण होगा, क्योंकि टूर्नामेंट जब होगा तो पुरस्कार वितरण तो होगा ही। हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं या अन्य लोग हैं, क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि आप लोग भारी संख्या में आए, जनता को कि टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएं, और खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कार्यक्रम में किस तरीके से तैयारी करके आए? देखिए, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सभी जो भी क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, और हमारे जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारी आवाज़ों को सुनेंगे, उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि खेल जो है हमारे एक मैदान पे आए और एक बार हमें मौका दें, हमें खेल देखने, हमारे खेल को देखने का मौका दें, उनको आए और हमें दें। हम ये नहीं बोले कि वो आए, हम उनको निवेदन कर रहे हैं कि वो आए और वो आके देखें, एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो टूर्नामेंट होता है उसमें सारे स्पोर्ट्स हॉस्टल के लड़के आते हैं, अच्छे प्लेयर आते हैं, अच्छे क्वालिटी के आते हैं, जो कि गांव में, जिसे हम अपने गांव से खेलेंगे, हम अपने गांव से खेलेंगे, तो ऐसे नहीं है, जो गांव की भी टीम बन रही है आज के समय में अच्छे प्लेयर बन रहे हैं, और मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो आके देखें, देखने से ही प्रेरणा मिलती है, बैठ के कहीं रहने से प्रेरणा नहीं मिल सकता है, उन्हें आके देखें, हो सकता है आज से 10 साल बाद उनको रिजल्ट मिल जाए, अगर वो 5 साल का उनके पास बच्चा होगा, उन बच्चे को लेके आए, उनको टूर्नामेंट दिखाएं, उनको आगे जाके उनको प्रेरणा मिल सकती है, जागरूकता, जागरूकता। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।